ठीक है, संधि में व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में के बाद हो तो त द में बदल जाता है और ह में बदल जाता है, ये हो चुका था। ठीक है, किसी भी ह्रस्व या लघु स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले छ हलन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये विशेष नियम है। ह्रस्व या लघु स्वर है, किसी भी ह्रस्व या लघु, ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन सा आएगा, और ह्रस्व ई और ह्रस्व या उसको लघु छोटी और छोटी ऊ और छोटी ई भी बोला जाता है। ठीक है, या आ का मेल छ छ से पहले हो, छ से हो तो च हलंत, छ से पहले लगाया जाता है। क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर, ठीक है, या लघु या आ का मेल, ठीक है, छ से हो तो छ हलंत जो है च हलंत में बदल जाता है, नहीं छ से पहले च हलंत आता है, छ जो है वह वैसे का वैसे रहता है। ठीक है, जैसे वर्ण से
प्लस छ, ठीक है, दोनों का मेल करते हैं तो च हलंत और छ ये जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर हरसु ई प्लस छ, ठीक है, इन दोनों का मेल करते हैं तो ये छ ऐसे ही रहेगा। और ये हरसु ई जो है च हलंत ऐसे रहेगा, ये हलन छ से पहले आता है, या हार प्लस छ, तो इसका मेल अगर इसे करे तो इसमें भी च हलन प्लस च हलन से पहले छ रहता है, ठीक है, और प्लस छ रहे यानी हरस्वी और हरस्वी हरसु आता है, ठीक है। से करते हैं तो छ जैसे वैसे ही लिखाएगा और च हलन जो है छ से पहले लिखाएगा, वैसे ही हरस्वी का मेल छ से करते हैं तो च हलन छ तो वैसे का वैसे रहेगा लेकिन च हलन छ से पहले आ जाएगा। हरस्वी का मेल छ से करते हैं तो छ तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, उससे पहले च हलन आ जाएगा। आ का मेल छ हलन से करते हैं, छ से करते हैं तो छ जैसा है वैसे ही रहेगा,
तो स्व आधा च, मतलब च के साथ हलंत लगा हुआ था, आधा च ये हो गया छ, ये अनुस्वार यहाँ आ गया और द, ठीक है। Thank you.
यदि तो दो के बाद लोर है, हलन प्लस
के साथ लो होगा तो, और ये प्लस लाभ ऐसे ही हो जाएगा, और ये नौ जो है यहाँ अनुस्वार के रूप में आ जाएगा, ठीक है, प्लस महा, ठीक है, नौ हलत जो है अनुस्वार के रूप में हो जाएगा, ये आधा लो, लो का मीन अगर लो से करते हैं तभी आधा लो आएगा यहाँ पे, और ये जैसे लिखा था वैसे ही होगा, सिर्फ ये नौ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, उसके बाद ये आधा लो आएगा, ठीक है, मतलब लो हलन आएगा, और ये महा ये अनुस्वार यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा महालाभ, ठीक है, ये अनुस्वार इसके यहाँ आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है, क्लास में विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। विसर्ग संधि में क्या है, यदि विसर्ग के पहले और बाद में विसर्ग से पहले, क्या है थोड़ा सा बता दे, विसर्ग से पहले यदि अ, ठीक है, और बाद में फिर अ, ठीक है, या तीसरा चौथा पांचवा व, तीसरा मतलब क का तीसरा ग घ अंग, ठीक है, या च का छ ज झ य ट का ड ढ ळ, तीसरा जैसे वैसे ही रहेगा, ये सिर्फ हलन जो है वो ओ में बदल जाएगा, कुछ भी नहीं, ये तीसरा वर्ण है ग घ अंग ज झ य ड ढ ण घ द ध न व भ म, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण,